नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दम भर रही हो, लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित है और पुलिस महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार करने वाले अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने में नाकामयाब नजर आ रही है। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी के सिंगाई थाना क्षेत्र के नगर पंचायत का है, जहाँ महिला ने फुरबटोला कस्बा के सभासद के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति सभासद के यहाँ मजदूरी करते थे। जब उन्होंने अपनी मजदूरी का पैसा मांगा तो सभासद भड़क उठा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और गफ्फार के साथ मारपीट करने लगा। जब गफ्फार अपने को बचाने के लिए वहां से भागा तो उसे सभासद व उनके साथी ने दौड़ाकर उसके घर में घुसकर गफ्फार व उनकी पत्नी चंदा के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना सिंगाई थाने में की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ NCR लिखकर धारा 323 व 504 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, लेकिन महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि इस पीड़ित महिला की पुलिस क्या कुछ मदद करती है। हमको बबलू मेम्बर ने मारा और उनके भाई राहुल ने उठा के पटक दिया, इसलिए मारा। हम अपने पैसे मांगने गए थे, हमारा लड़का गया था पहले पैसे लेने, तो बोले 10 मिनट रुक जाइए। जब वो बैठ गया तो उसको उसका भाई आया तो वो जो है उसको गाली देने लगा और उसका हाथ बिरोड़ के और उसको मारने लगा। तो फिर हमारे पति गए, जब वो गए तो वो कहने लगे कि क्यों मार रहे हो, हमारे पैसे चाहते हो फिर हम ही को मारते हो। तो कह रहा कि मारेंगे और तुम लोगों को बहुत कुछ करेंगे, घर में घुस के बेइज्जती कर देंगे और हमारा कर कोई कुछ नहीं पाएगा ना। एप्लीकेशन दी जी, हमने थाने में एप्लीकेशन दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।